बार चेक कर लेते हैं भाई कि मैं लाइव हूं या नहीं, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे। लेट मी चेक वेदर आई एम लाइव और नॉट, और उसके बाद चालू करेंगे। अभी मुझे मैं लाइव नहीं दिख रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करें, एक बार चेक कर लेते हैं। थोड़ा वेट करें, थोड़ा वेट करें, अभी पता चल जाएगा। और नहीं, मैं अभी तक लाइव नहीं हूँ, अभी देखते हैं। जी हाँ, शायद मैं लाइव हो चुका हूँ। और हेलो, हाय हाय एवरीवन, हेलो, मेरे को यहाँ पर, यस आई एम लाइव, यस यस आई एम, एंड जस्ट होल्ड करिएगा, थोड़ा सा होल्ड करें, मैं अभी आपको सारी चीज़ें देने वाला हूँ यहाँ पर। 1 मिनट होल्ड करिए, और अपने यूट्यूब के, मेरे यूट्यूब के मैसेजेस पढ़ते रहिएगा, मेरे यूट्यूब के मैसेजेस पढ़ते रहिए दोस्त, यूट्यूब के मैसेजेस पढ़ते रहिए। हाँ, मैंने आपके यूट्यूब के अंदर, हाँ मैंने सोचा फिर क्यों हमारे को अपना टाइम, अपना जब टाइम रखा हुआ है तो वही रखें। मैंने आपको यूट्यूब के अंदर अभी एक कमेंट करा है, मैंने आपको यूट्यूब में कमेंट करा है, ये हमारे नए चैनल का लिंक है, इसको भी देख लीजिएगा एक बार। हाँ हेलो, हेलो एवरीवन, हाय। सो हमारे साथ में बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, हमारे साथ में मिस्टर घोस्ट, सुरभि, अंजलि, जयश्री, अमित, आदित्य, मोहम्मद फरहान, डायनामिक शॉट्स, सुमन, गुड्डू, दिव्या सिंह, आर्यन, हर्ष, लगभग 52 लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। हाय, हेलो एवरीवन। सो दिस इज द सेशन फॉर CA फाउंडेशन, एंड दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ कंपनीज अकाउंट्स। हाँ, दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ कंपनीज अकाउंट्स, एंड आई होप हम लोग इसके अंदर बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। बस थोड़ा सा रुके रहिएगा, अभी एक बार बस हो जाए चालू, उसके बाद देखते हैं इसको। ठीक है, रुके रहिए, रुके रहिए, सारे लोगों को आने दीजिए, सारे लोगों को आने दीजिए, फिर ये चालू कर रहा हूँ मैं। आने दें सारे लोगों को। जी तो जी बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। हाय एवरीवन, यस मैं बहुत अच्छा हूँ दोस्त। तो बेटा आप बात को ध्यान सुनिएगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ कंपनीज अकाउंट्स है, मेरे को ना थोड़ा सा आपको इनका पैटर्न बताना पड़ेगा दोस्त। जो ये CA फाउंडेशन के एग्जाम आपके हो रहे हैं, ये ना मई 2018 से हो रहे हैं। ये जो आपके CA फाउंडेशन के एग्जाम हो रहे हैं, ये मई 2018 से हो रहे हैं, और मई 2018 में जो आपका सिलेबस था, और जो अब दिसंबर 2022 में सिलेबस है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आए। जैसे मैं, आप न्यू टीचर हूं आप न्यू हो ना? हाँ मैं न्यू हूं, बिल्कुल, मैं तो बहुत न्यू हूं, मैं तो अभी अभी आया हूं। हाँ तो अभी बता, हाँ तो पॉइंट क्या है, आप बात को समझिए। ये मई 2018 का जो सिलेबस था और दिसंबर 2022 का जो सिलेबस है, कंपनीज अकाउंट्स उस सिलेबस के अंदर पहले भी था और अब भी है। कंपनीज अकाउंट्स उस सिलेबस में पहले भी था और अब भी है, और साथ साथ जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर कुछ और चैप्टर्स थे जो अब यहां पर नहीं है, मतलब कंपनीज अकाउंट्स का वेटेज अब बढ़ा है। तो हम यहां पर सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे मई 2018 से लेके, मई 2018 से लेके जून 2022 तक के, जब तक आज होगा तब तक करेंगे। हाँ तो दोस्तों, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आप न्यू हो, तो हाँ मैं उनके लिए न्यू हूं, तो प्लीज नो योर एजुकेटर, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, माई नेम इज CA नकुल कठेरिया, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं,
और चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के साथ साथ मैं यूजीसी नेट और जेआरएफ होल्डर हूँ। आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन आईपी यूनिवर्सिटी एज वेल एज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो मैं एमफिल दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया रैंक 34 हूँ। अभी तक 7,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ, जिसके अंदर ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 4, ऑल इंडिया रैंक 34 एंड 45 हैं। दोस्तों ये आपका एक ऑफिशियल क्लास है, इसलिए कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स करनी पड़ेंगी कि यहाँ पर आप कूपन कोड CANK10 लगाकर ये गेमिफाइड अपना कॉम्बैट ज़रूर दें। ज़रूर 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 मैं आपसे कहूँगा कि इसको ज़रूर दें, ताकि बहुत सारी चीज़ें अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर। और इसके साथ में हाँ वहीं करना है, और ये आपका RTP और MTP बैच चालू हो चुका है, इसको भी आपने ज़रूर करना है। लीजिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ, आप ध्यान से देखिए। हम अपनी प्रैक्टिस ऊपर से चालू कर रहे हैं। ऊपर से चालू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मई 2018 से कर रहे हैं। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मई 2018 से कर रहे हैं जी, मई 2018 से कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो मई 2018 से अपन लोग चलते हुए आएंगे, मई 18, मई नवंबर 18, मई 19, नवंबर 19, मई 20 का पेपर नहीं हुआ, नवंबर 20, जनवरी 21, जुलाई 21, ऐसे ऐसे चलते हुए चलेंगे। चलिए तो दोस्त ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये 10 नंबर का सवाल है भैया, आपके सामने प्रूफ है। ये लिखता है पीयूष लिमिटेड इज अ कंपनी विद एन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ 2 करोड़ रुपीस इन इक्विटी शेयर ऑफ रुपीस 10 ईच, ऑफ विच 15 लाख शेयर्स हैड बीन इशूड। मतलब ये सब आपको ऐसे ही दिए जा रहे हैं, हैड बीन इशूड मतलब ये पहले से ही इशू हो चुके हैं, एंड फुली पेड ऑन 30 जून 2017। आप ध्यान से देखिए कि पेपर है ये मई 2018 का, इसीलिए यहां पर जो ईयर्स दे रखे हैं वो ईयर्स आप देखो 2017 वाले दे रखे हैं, मैं सीधे वही उठा के लाया हूं। द कंपनी प्रपोज्ड टू मेक अ फर्दर इशू ऑफ 130,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच प्राइज्ड एट 12। तो क्या आप मुझे बताएंगे इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है? कम ऑन सारे लोग बताएंगे, जल्दी बताएंगे कि इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है, जल्दी बोलो। इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है? ₹2। रुपीज, अच्छा यह ₹2 का सिक्योरिटीज प्रीमियम है। अब अगर मैं बढ़ाता हूं आगे तो वो कहता है कि भैया ₹2 आपको देने एप्लीकेशन पर। और इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पर ध्यान से देखो आपको डेट भी लिखी हुई है, इसका मतलब अब आपको क्वेश्चन में डेट भी लिखनी पड़ेगी। ₹2 देने अलॉट एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट जो हो रहा है वो 10 जुलाई को हो रहा है, ठीक है, और ₹5 उसके अंदर फर्दर जाएंगे, ठीक है, ₹5 पर शेयर इंक्लूडिंग द प्रीमियम टू बी पेएबल, फाइनल कॉल ऑन द बैलेंस टू बी मेड, ठीक है जी। तो मतलब ₹2 एप्लीकेशन पर है, ₹5 अलॉटमेंट पर है, देन ₹5 इज ऑल्सो 3+2, ठीक है जी। एप्लीकेशन आ रही है मेरे पास में 4,20,000 शेयर के लिए, ध्यान से ये आ गया फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि देखो इस क्वेश्चन में कोई फोर फीचर कोई रीइशू भाई साहब है ही नहीं, इसमें कोई फोर फीचर कोई रीइशू है ही नहीं, कुछ नहीं है। एप्लीकेशन आ रही है 20,000 को फुल मिलेंगे, 1,00,000 को हम 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाइड देंगे, कोई पैसा हमने रिटर्न नहीं करा, और 3,00,000 वालों को हम 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर अप्लाइड देंगे, फॉर द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिटेन्ड बाय द कंपनी एक्सेस बींग रिटर्न। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसके अंदर बनती है दोस्त, वो ये बनती है, सबसे पहले हम लोग इसका लिंकेज, इसकी समरी समझेंगे। समरी क्या समझेंगे, ध्यान से देखिएगा।
टोटल शेयर्स जो अलॉट किए हैं, शेयर्स इशूड जो किए हैं वो है 130,000, राइट, वो है 130,000, जबकि एप्लीकेशन जो आई हैं, जो एप्लीकेशंस आई हैं, एप्लीकेशंस जो रिसीव्ड हुई हैं वो हुई हैं 420,000 के लिए। अब इन 420,000 को देखो हमने कैसे दिया, 420,000 में से 20,000 की एप्लीकेशन को हमने फुल अलॉट किए हैं, मतलब इन्होंने अप्लाई भी 20,000 करा और इनको अलॉट भी 20,000 हुए, तो इसका मतलब क्या इनका कोई भी एक्सेस पैसा होगा, क्या इनका कोई भी एक्सेस पैसा होगा, जल्दी बताएंगे, क्या इनका कंपनी के पास कोई भी एक्सेस मनी होगा? ना जी ना, किसी भी टाइप का कोई एक्सेस मनी नहीं होगा। फिर दूसरे हैं जिन्होंने 1,00,000 शेयर के लिए अप्लाई करा है, जिन्होंने अप्लाई करा था 1,00,000 शेयर के लिए, इनको अलॉट हो रहे हैं, इनको अलॉट हो रहे हैं 1 for every 2 अप्लाइड, इसका मतलब इनको 50,000 अलॉट हो रहे हैं, ठीक है जी। तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की, तो इनसे हमारे को 40,000 रुपये मिली होगी, क्योंकि एप्लीकेशन मनी जो है वो है 2 rupees per share, तो इनसे 40,000 मिली होगी, इनसे मेरे दोस्त 2,00,000 मिली होगी, इनसे मेरे दोस्त 2,00,000 मिली होगी। और आखिरी जो कैटेगरी रह गई, उन्होंने कितने अप्लाई करे हैं ध्यान से देखो, आखिरी ने अप्लाई करे हैं तीन लाख शेयर्स, और इनको अलॉट हुए हैं 1 for every 5, मतलब 60,000 शेयर्स, राइट, इनको अलॉट हुए हैं 1 for every 5, मतलब 60,000 शेयर्स, तो इनसे एप्लीकेशन मनी कितनी आई होगी, 6,00,000 रुपए। तो यहां से एक बात तो पक्का बनती है कि कंपनी का नाम है पीयूष लिमिटेड, तो मैं यहां लिखता हूं इन द बुक्स ऑफ पीयूष लिमिटेड, अगर मैं पीयूष लिमिटेड की बुक्स में जर्नल बनाता हूं तो सबसे पहली एंट्री होगी 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2017, बैंक अकाउंट डेबिट, साथ कॉपी कर सकते हैं जी, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं साथ कॉपी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल साथ कॉपी कर सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ध्यान से देखिए कितना पैसा मिला होगा, 6,00,000 और 2,00,000, 8,00,000, और ये 8,40,000, 8,40,000, 8,40,000, चलिए जी। बींग 10 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं आप, याद रखिए मई 2018, बींग एप्लीकेशन मनी received on 4,20,000
शेयर्स। अब वापस से अपने नोट पर आते हैं। दोस्तों मुझे एप्लीकेशन तो इतनी 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 मिली है, लेकिन क्या मैं कहूं मैंने अलॉटेड या फिर इनका एप्लीकेशन मनी यूटिलाइज्ड कितना कितना करा होगा? इसको भैया मैंने फुल अलॉट करे हैं, तो इसका मतलब इसके पूरे 40,000 यूटिलाइज करे होंगे और मेरा एक्सेस मनी निल बचा होगा, राइट? मैंने पूरे शेयर्स अलॉट करे हैं तो इसका एक्सेस मनी निल बचा होगा। अगला, मैंने 2 लाख रुपए रिसीव करे 1 लाख एप्लीकेशन पर, मैंने 50,000 अलॉट करे हैं, मतलब 1 लाख अलॉट कर 1 लाख रुपए यूटिलाइज करे तो इसका एक्सेस मनी 1 लाख बचा होगा, राइट? इसका एक्सेस मनी 1 लाख बचा होगा। हाँ, और यहां मैंने 6 लाख रुपए लिए, इन्हें 60,000 दिए हैं, मतलब 1,20,000 यूटिलाइज करे हैं तो इसका एक्सेस मनी 4,80,000 बचेगा। अब दोस्तों ये एक्सेस मनी बचा है, उसने क्या कहा था कि भैया जो भी एक्सेस मनी है वो अलॉटमेंट तक इस्तेमाल होगा और अगर कुछ एक्सेस है तो उसे रिटर्न कर दिया जाएगा। अब एक बार अलॉटमेंट मनी मैंने देखी, अलॉटमेंट, क्या मैं ये कह सकता हूं कि अलॉटमेंट है 5 रुपीज पर शेयर, तो 20,000 पर 5 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए इनसे मांगे जाएंगे और इनके पास तो कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं, तो ये तो पूरे के पूरे 1 लाख देंगे। 50,000 पर इनसे 5 रुपए के हिसाब से 2.5 लाख मांगे जाएंगे, मतलब मैं कंपनी हूं, मैंने आपसे लेने हैं 2.5 लाख, लेकिन आपके पास मेरा पैसा, आपका पैसा जो मेरे पास एक्सेस है वो है केवल 1 लाख, तो इसका मतलब मैं आपसे नेट में पैसा मांगता हूं, आपको रिटर्न कुछ नहीं करना मैंने, ठीक है? हाँ, और इसके बाद 60,000 × 5, इनसे मैं मांगता था 3 लाख, लेकिन इन्होंने तो भैया मुझे 4,80 दे रखे हैं, इसका मतलब इनका 1,80 रिटर्न करना बनता है कि नहीं, इनका 1,80 रिटर्न करना बनता है कि नहीं? जी सर, इनका 1,80 रिटर्न करना बनता है। अब इसी बेसिस पर मैं अपनी दूसरी एंट्री बनाऊंगा। जब मैंने इनको शेयर अलॉट किए, जब मैंने इनको शेयर अलॉट किए वो तारीख थी 10 जुलाई, तो अब मैं अगली एंट्री बनाऊंगा 10 जुलाई 2017 की। हाँ भाई, कमेंट करके बताएं समझ में आ रहा है ना। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 8,40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको सदा एक ही चीज बताई है कि कैपिटल के अंदर केवल उतने ही अमाउंट आएगा जितने शेयर्स आपके इशूड हैं, 2,60,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट के अंदर ध्यान से देखो, अलॉटमेंट में ध्यान से देखो, ध्यान से, 1 लाख ये वाला यूटिलाइज करता और 3 लाख ये वाले यूटिलाइज करता तो टोटल 4 लाख आएगा कि नहीं, और रिटर्न मैंने कितने कर दिए, 2 बैंक अकाउंट। अभी ध्यान से देखो मैंने रिटर्न कितने करे हैं, 1,80। तो जरा टोटल बताओ, क्या 8,40 मैच करता है क्या? जल्दी बताइए, क्या 8,40 मैच करता है क्या? डी शेयर्स
अलॉटेड। हाँ जी, 8:40 मैच करता है, बिल्कुल करता है सर, बिल्कुल 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 करता है। ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल कर रहा है सर, बिल्कुल कर रहा है। तो मैं यहां तक तो पहुंच गया, ये सब कुछ मेरा हो गया। वो कहता है द मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वॉज रिसीव। ठीक है जी, अब मैंने अलॉटमेंट मनी मांगी। अब जब मैंने अलॉटमेंट मनी मांगी तो फिर दोबारा मैं एंट्री करूंगा। रितु कहती है रिपीटेड। रितु मैडम रिपीट क्या करना है वो बताइए, तभी रिपीट कर पाऊंगा, ऐसे नहीं कर पाऊंगा। 10 जुलाई को ही मैंने अलॉटमेंट मनी मांगी तो इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,30,000 शेयर पर 5 रुपए मांगे हैं, तो कितना बनता है? 6,50,000। कैलकुलेटर्स आपके पास होने चाहिए, आप मुझे जवाब देंगे। आई एम अगेन रिपीटिंग, कैलकुलेटर्स आपके पास होने चाहिए, आप मुझे जवाब देंगे। जी यस सर, बताते रहें। जी हाँ, 6,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,30,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 3,90,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 2,60,000 बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। मैडम मैंने टेलीग्राम पर मैसेज करा था, अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 1,30,000 शेयर्स। उसके बाद में आपको पैसा रिसीव भी हुआ है। तो जब आपको पैसा रिसीव हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट, आपको मिलना चाहिए था 6,50,000, लेकिन आपको ऑलरेडी 4 लाख रुपया एक्स्ट्रा मिला हुआ है कि नहीं? तो वो भी तो लेस करेंगे यहां से, माइनस 4 लाख, 2,50,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट 2,50,000 बी अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक है जी, आगे क्या बोला गया, आगे देखते हैं। आगे बोला गया सर अब 2 रुपए तो यहां हो गए, 3 रुपए यहां हो गए, तो बैलेंस जो बचा वो 5 रुपए का हो गया कि नहीं? बैलेंस जो बचा वो 5 रुपए का हो गया। और वो कॉल कब कर रहे हैं हम? 30 अप्रैल 2018, 30 अप्रैल 2018 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, भाई 6,50,000, 6,50,000 बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। तो क्या मैं कह सकता हूं उसने कहा था ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव्ड,
ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, इसका मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 650,000, 650,000 बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीट। देखा भाई समझ में आया कि नहीं? पूरे नंबर मिलेंगे पूरे, बोलो भाई समझ में आया? हाँ जी दोस्त समझ में आया कि नहीं? हाँ जी आया जी, बिल्कुल आया, बच्चे कह रहे हैं चैट में आया, यस यस जी पूरे मिलेंगे भाई पूरे। तो इसका मतलब एक क्वेश्चन तो ऐसा हो गया जहां पर आपसे केवल और केवल एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के बारे में पूछा गया, एक क्वेश्चन तो ऐसा हो गया जहां पर केवल और केवल आपसे तस्नीम कहते हैं कैन यू रिपीट सेकेंड एंट्री, यस आई कैन रिपीट सेकेंड एंट्री फॉर श्योर। देखो जी ध्यान से सेकेंड एंट्री में हुआ क्या है, आप पहले इसको समझिए, जो भैया 20,000 शेयर्स के जिन्होंने अप्लाई करा था उनको पूरे शेयर्स अलॉट हुए, इसका मतलब उनका कोई भी एक्सेस नहीं रहा होगा, 40,000 उन्होंने दिए होंगे, 40,000 उनके यूज हो गए होंगे, ठीक है। 1,00,000 शेयर जिन्होंने अप्लाई करे उनको 50,000 अलॉट हुए, इसका मतलब इनसे एप्लीकेशन मनी आई होगी 2,00,000 रुपए, लेकिन इनके यूज हुए होंगे केवल और केवल 1,00,000 रुपए, तो इनका एक्सेस मनी जो रहा होगा, जो इनका एक्सेस मनी रहा होगा वो रहा होगा 1,00,000 रुपए, ठीक है। अब जब इनसे कॉल मांगी गई होगी तो अलॉटमेंट मनी वो 2,50,000 की होगी, तो मतलब इनको रिटर्न कुछ नहीं होना, इनका 1,00,000 रुपया 2,50,000 में एडजस्ट हो जाना है। अगला आता है जी जिन्होंने अप्लाई करे 3,00,000 रुपए, अब जी इन्होंने अप्लाई करे हैं 3,00,000 शेयर के, तो एप्लीकेशन आई होगी 6,00,000 रुपए, इनको मिले केवल और केवल 60,000 शेयर हैं, तो यूटिलाइज हुआ होगा 1,20,000, 4,80,000 हो गया इनका एक्सेस। अब 4,80,000 में से अलॉटमेंट जो मांगी गई वो तो 3,00,000 मांगी गई, तो 1,80,000 तो फिर भी एक्सेस रह गया, वो रिफंड होगा, इसकी बन गई मेरी सेकेंड एंट्री, ये बनी है जी दोस्त मेरे सेकेंड एंट्री। तो इतनी बात अभी तक हमने करी। तो ये जो मई 2018 का सवाल था, ये बेसिकली सवाल क्या था, यहां पर आपको एक सिंपल आपका नॉलेज टेस्ट करा गया, लेकिन मजा आता है ध्यान से देखिए, नवंबर 2018 में जहां 15 नंबर का कंपनी अकाउंट्स पूछा गया, जहां 15 मार्क्स का कंपनी अकाउंट्स पूछा गया, पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी दो पूछे गए। अब ध्यान से देखो, यहां उसने कोई भी आपसे, यहां पर आपसे कोई भी, हां बना सकते हैं, यहां पर आपसे उसने कोई भी इश्यू वगैरह कुछ नहीं पूछा, वो तो सीधे सीधे फोर फीचर और री इशू पूछ रहा है, फोर फीचर री इशू, फोर फीचर री इशू, फोर फीचर री इशू, और नहीं पूछ रहा वो कुछ भी, सही कह रहा हूं कि नहीं, वो और कुछ नहीं पूछ रहा, वो केवल फोर फीचर री इशू, फोर फीचर री इशू, फोर फीचर री इशू ही पूछ रहा है, और कुछ भी नहीं पूछ रहा है आपसे। चलिए चालू करेंगे, बिल्कुल चालू करेंगे, चलिए जी। और उसके बाद में 5 नंबर का जो उसने पार्ट बी पूछा है, उसमें उसने पूछा है डिबेंचर्स का, तैयार जी? हाँ जी एक बार रिप्लाई करेंगे, आर यू रेडी, जल्दी बताएंगे दोस्त, यस सर तैयार, बिल्कुल तैयार जी, यस एवरीवन रेडी रेडी, यस रेडी रेडी। चलिए जी, तो अब यहां पर कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड, दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ
नवंबर 2018, नवंबर 2018, और हम कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा बस। हेलो हेलो सर, पोर्टल ही नहीं चल रहा ना, क्या करें हम? हम तो सुबह से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप 10 मिनट, हाँ ये प्रॉब्लम है, तब से हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक बार दोबारा चेक करते हैं, अभी टेंशन ना लें आप, ठीक है? ठीक, चलिए जी दोस्त, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए जी आगे अगर देखें तो इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, क्योंकि उसने क्या बोला था यहां पर, एक्स लिमिटेड बोला था, तो मैंने भी यहां पर लिखा, अरे ये मच्छर कहां से आ गया मेरे दोस्त। इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड हमें बनानी है जर्नल, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड हमको बनानी है जर्नल। आइए जी फर्स्ट पोर्शन पढ़ते हैं। वो कहता है एक्स लिमिटेड 4 फीटेड 300 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली कॉल्ड अप। तो इसका मतलब एक बात तो पक्की है कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, राइट, 300 शेयर हैं ₹10 के फुली कॉल्ड अप, मतलब हो गया 3,000, राइट, मतलब हो गया 3,000। हेल्ड बाय मिस्टर रमेश फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ₹3 एंड फाइनल कॉल मनी ₹4। तो क्या मैं कह सकता हूं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ₹300 ₹900। टू, आप ध्यान से देखना भाई, अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो 10 मार्क्स का है। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट ₹1,200। तो जो बच गया वही शेयर 4 फीट हुआ होगा कि नहीं? टू शेयर 4 फीचर कितना आ गया? आ गया कितना? ₹900। बीइंग 300 शेयर्स 4 फीटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल मनी, राइट। अब आगे वो क्या कहता है? आगे वो कहता है कि भैया उसको रीइशू कर दिया ₹8 पर। तो क्या मैं कहूं फिर एंट्री बनी होगी बैंक अकाउंट डेबिट 300 × 8 2400, शेयर्स 4 फीचर अकाउंट डेबिट ₹600। यार उसका बना ना मैं स्टाफ का दोबारा एक बार बना दिया। टू इक्विटी शेयर
कैपिटल अकाउंट ये आ जाएगा 3,000 रुपये। अब ध्यान से देखिएगा, मेरे पास 900 रुपये शेयर फॉर फ्यूचर था और अब मैंने 600 यूटिलाइज कर लिया, तो कैपिटल रिजर्व कितना बचा होगा? 300 रुपये का कैपिटल रिजर्व बचा होगा। तो फिर एंट्री बनी होगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 300 रुपये, 300 रुपये बीइंग शेयर फॉर फ्यूचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। चलिए जी, अभी तो ए का फर्स्ट हुआ है, अब ए का सेकंड करेंगे, ए का सेकंड पोर्शन करेंगे जी। आगे आते हैं और पढ़ते हैं। एक्स लिमिटेड फोरफीटेड 200 शेयर्स ऑफ ₹10, लेकिन 7 कॉल्ड अप हैं, 7 है कॉल्ड अप, तो क्या मैं कहूं? इक्विटी। वरुण जी कहते हैं लास्ट वाला समझा नहीं। वरुण भाई क्या नहीं समझा आपने यार, यहां पर 900 रुपये शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट था, यहां पर 600 रुपये शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट हो गया, तो 300 रुपये ही तो बचा ना मेरे भाई, वही 300 रुपये मैंने कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये सारी चीजें बच्चों मैंने अपनी प्लस क्लासेस में कराई हुई है कि नहीं? 200 शेयर्स फोरफीट हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर फोरफीचर इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। जिन्होंने मेरे से प्लस क्लास लिए हैं ये तो उन्हें टुच्चे लग रहे होंगे। अब सवाल, 1400, 1400 है दोस्त, 14,000 नहीं है, 1400 है। टू, अब क्या बोलता है यहां पर? ऑन विच नरेश हैज पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ 5 रुपए। इन्होंने 7 में से 5 पे करे हैं, इन्होंने 7 में से 5 पे करे हैं, मतलब 2 रुपए पे नहीं करे। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 200 × 2 400। वो कह रही है मजा नहीं आ रहा, बेटे आपने मुझसे पढ़ा हुआ है ना पायल, इसलिए मजा नहीं आ रहा। उनसे पूछो जो कर रहे हैं, जिन्हें मुश्किल लगते हैं ये। डू शेयर फोर फीचर अकाउंट 1,000 रुपये, बी 200 शेयर्स फोर फीटेड। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर क्लॉज है, वो कहता है पूरे शेयर रीइशू नहीं हो रहे, ओनली 150 शेयर्स वर रीइशू। ध्यान से, 200 शेयर्स का फोर फीचर बैलेंस 1,000 रुपये है, तो 150 शेयर्स का कितना रहा होगा? 1,000 डिवाइडेड बाय 200 × 150, जल्दी बताइए कितना रहा होगा? क्या मैं कहूँ 750 रुपीज रहा होगा। अब उसने 150 शेयर्स रीइशू कर दिए एट रुपीज 6 फुली पेड अप, ₹6 फुली पेड अप। तो इसका मतलब इसने एंट्री करी होगी बैंक अकाउंट डेबिट 150 शेयर्स × 6 900 शेयर्स फॉर फ्यूचर
अकाउंट डेबिट 600, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1500। अब भैया 750 में से 600 यूटिलाइज हो गए, तो 150 अनयूटिलाइज्ड बचे, तो उसकी एंट्री बनेगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 150 150 बीइंग शेयर फॉर फ्यूचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। बताओ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुश्किल लग रहे हैं क्या? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुश्किल लग रहे हैं क्या? जल्दी बताइए, मुश्किल लग रहे हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं जी। लेकिन जो थर्ड पोर्शन है वो मुश्किल लगेगा। जो थर्ड पोर्शन है ना, अब ध्यान से देखना थर्ड पोर्शन। थर्ड पोर्शन पे आओगे अब पता चलेगा। हाँ आइए थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। एक्स लिमिटेड फोरफीटेड 100 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 6 कॉल्ड अप इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। दोस्त अब ये जो क्वेश्चन है, आज से 4-5 साल पहले कंपनी डिस्काउंट पर शेयर इशू कर पाती थी, लेकिन अब कंपनियां डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं करती, क्योंकि वहां सेक्शन 53 में साफ साफ लिखा हुआ है, सेक्शन 53 में लिखा हुआ है कि पब्लिक को जो शेयर्स हैं वो डिस्काउंट पर नहीं जाएंगे। तो इसीलिए इस टाइप का क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं बहुत बहुत कम, क्या होगा ही नहीं, नहीं करना आपको, नहीं करना, नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। आइए अब आता है बी पार्ट। अब बी पार्ट के ऊपर ध्यान देते हैं। अब आता है हमारा नवंबर 2018 का बी पार्ट। वो बोलता है कि एक कंपनी है प्योर लिमिटेड, एक कंपनी है प्योर लिमिटेड, वो क्या काम कर रही है? कैपिटल रिजर्व का अमाउंट समझ में नहीं आया क्या निकिता मैडम? आपको कौन सा कैपिटल रिजर्व का अमाउंट समझ में नहीं आया निकिता मैडम? कहां पे दिक्कत आ गई आपको? कहां दिक्कत आ गई मैडम? 200 शेयर्स का शेयर फॉर फ्यूचर 1000 है, तो उसमें से रीइशू तो 150 ही करें, तो 150 का 750 होगा। अब 750 में से 600 यूटिलाइज कर लिया शेयर फॉर फ्यूचर, हाँ, तो अब उसको 750 माइनस 600 150 इज द कैपिटल रिजर्व। मैंने अपनी प्लस क्लासेस में अनअकैडमी की भर भर के ये पॉइंट बनाए हैं। बी पोर्शन पढ़ते हैं। बी पोर्शन में क्या लिखा था? प्योर लिमिटेड है, उसने इशू करे हैं 1 लाख 12% डिबेंचर ऑफ रुपीज 10 ईच 1 जनवरी 2018। ध्यान से सुनिएगा, 1 जनवरी 2018 को एक कंपनी है प्योर लिमिटेड, प्योर लिमिटेड ने इशू करे हैं 10 लाख, उसने इशू करे। निकिता मैडम मैं समझा चुका हूं अब आपको, अगर आपको बहुत ज्यादा समझना है हाँ तो आपको एक बार फिर क्लास में देखना पड़ेगा, क्योंकि ना तो यहाँ पर वॉइस है, मेरे को नहीं पता कि आपको डाउट क्या आ रहा है, क्योंकि अगर वॉइस होती तो मैं आपसे वॉइस पर बात करके समझ लेता, जैसे सबको पता चलता है। हाँ, 1 लाख शेयर 10 रुपीज वाले 9.4 में, 1 लाख डिबेंचर्स हैं, 10 रुपीज है और इशू
प्राइस जो है वो 9.4 रुपीज है पर डेबेंचर। तो एक बात बताओ, यहां पर मुझे साफ साफ लॉस ऑन इशू ऑफ डेबेंचर दिख रहा है, 0.6 रुपीज पर डेबेंचर। तो अगर मैं टोटल लॉस की बात करूं, टोटल लॉस की बात करूं तो वो 10 लाख डिबेंचर्स हैं, 10 लाख डिबेंचर्स हैं, उनके ऊपर 0.6 रुपीज मतलब 60,000 हो गए, 60,000 रुपए का लॉस हो गया। जी क्या 60,000 रुपए का लॉस समझ में आता है आपको? जी हाँ सर, 60,000 रुपए का लॉस समझ में आता है। अब ध्यान से देखिए, These debentures are redeemable at the end of 5 years. इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि these debentures are being redeemed after 5 years? तो लॉजिकली इसका लॉस भी 5 ईयर्स में डिवाइड होना चाहिए कि नहीं? इसका लॉस भी 5 ईयर्स में डिवाइड होना चाहिए। तो स्टेटमेंट ऑफ राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स ईयर 1, 2, 3, 4, 5 लॉस टू बी रिटर्न ऑफ आएगा 60,000 का 1/5। हाँ, 60,000 का 1/5। अरे मैडम 1 लाख है, मैंने गलती से 10 लाख लिख दिए मैडम, 1 लाख है, ये रुपए हैं 10 लाख, नंबर ऑफ डिबेंचर 1 लाख है। अरे नंबर ऑफ डिबेंचर 1 लाख है यार, रुपए हैं वो, नंबर ऑफ डिबेंचर 1 लाख है। तो 12,000, 60,000 इंटू 1/5 12,000, 60,000 इंटू 1/5 12,000, 60,000 इंटू 1/5 12,000 और 60,000 इंटू 1/5 12,000। क्लियर? ये हो गए आपके पर ईयर, ये हो गए आपके पर ईयर, जल्दी बताएं। क्लियर? बोलो जी साहब, बोलो, इज इट क्लियर टू ऑल? क्लियर? यस यस जी, हो माय गॉड, हियर वी गो विद द नेक्स्ट वन। मई 2019, 10 मार्क्स, मई 2019, 10 मार्क्स। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, हमने मई 18 कर लिया, हमने नवंबर 18 कर लिया, मई 18 खत्म। सर सिर्फ कैलकुलेट करना था। मेरे भाई देख लो यार ध्यान से भाई क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट। तो जब कैलकुलेट करना है तो मेरे भैया मैं भी केवल कैलकुलेट करूँगा ना, मैं ज़्यादा होशियारी थोड़ी दिखाऊंगा। जब उसने बोला है कैलकुलेट तो मैं भी तो कैलकुलेट ही करूँगा ना भाई, मैं होशियारी क्यों दिखाऊँ ज़्यादा। जी सर बिल्कुल सही बात है। चलिए जी सर आगे चलिए जी, आते हैं अपने मई 2019 पर। भगवती लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 2 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। कोई भी प्रीमियम वगैरह कुछ नहीं है,
हमें जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है भगवती लिमिटेड की बुक्स में, तो आइए अब चालू करते हैं। यहाँ मज़ा नहीं आ रहा बिल्कुल भी दोस्त। जरूरी नहीं है कि रोज शाही पनीर और मटर पनीर और बटर चिकन ही खाने को मिले दोस्त, है ना? कभी कभी बाकी सामान भी खाना पड़ता है। भगवती लिमिटेड, भगवती लिमिटेड जर्नल, भगवती लिमिटेड जर्नल। चलिए, तो मैं यहाँ कहता हूँ भगवती लिमिटेड ने इनवाइट करी है एप्लीकेशन 2 लाख शेयर के लिए और आई है 3 लाख के लिए। तो इसका मतलब सबसे पहले यहाँ एंट्री बनेगी, एक मिनट रुकिएगा। सबसे पहले यहाँ पर एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन एक चीज देखो मेरे भाई, अगर यही मैं आपको प्लस क्लास में करा रहा होता ना, तो यकीन मानो 1 घंटे में 2 सवाल करा पाता। 1 घंटे में नहीं, 1.5 घंटे में। यहां अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ और हम तीसरे सवाल पे पहुंच गए हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो अननेसेसरी चीजें, जो अननेसेसरी चैट्स होते हैं, वो नहीं। तो ये अगर किसी चीज का डिसएडवांटेज है, तो ये एडवांटेज भी बहुत बड़ा है। बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन अकाउंट, 3 लाख शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से 3 लाख × 3 9 लाख, 9 लाख। हाँ जी, मे 19 है। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 3 लाख शेयर्स। चलिए सेकेंड। अब उसने कहा कि हमने सारा का सारा प्रोराटा पर लगा दिया, मतलब एक्सेस मनी हमने यूटिलाइज कर लिया। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 9 लाख, यहाँ आया 6 लाख और आ गया 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3 लाख। बी एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। ठीक है जी, बोलो जी, क्लियर है बात इतनी? इज इट क्लियर? हाँ जी क्लियर। आगे बढ़ते हैं। बी हु वाज अलॉटेड 3000 शेयर फेल्ड टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसका मतलब अलॉटमेंट तो पूरी पे करी है भाई, तो थर्ड सवाल तो बहुत आसान हो गया। इसका मतलब इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी
शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपए की थी? 5 रुपए। 2 लाख इंटू 5 10 लाख। 10 लाख आ रहे हैं, वाह, 10 लाख, 10 लाख। बिंग 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 अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 2 लाख शेयर्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स, अलॉटमेंट अकाउंट मिलने चाहिए थे 10 लाख, लेकिन 3 लाख ऑलरेडी मिले हुए हैं, तो हो गया कितना? 7 लाख। 7 लाख बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव 5th। अब मैंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू करी, इक्विटी शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख पर, 2 लाख पर 2 रुपए के हिसाब से 4 लाख। आस्था बेटे मजाक मत करा करो, 4 लाख, 4 लाख बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब भैया उसने क्या बोला, 3000 शेयर पर फाइनल कॉल नहीं मिला, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख मिलने थे, लेकिन 3000 शेयर पर 2 रुपए, 6000 नहीं मिले, 3,94,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, और इसके शेयर फॉरफिट हो गए। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3000 इंटू 10 30,000 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 6000 टू शेयर्स फोर फीचर 24,000। अब ध्यान से भैया, 3000 शेयर्स का शेयर फोर फीचर 24,000 है, तो 2500 शेयर्स का कितना होगा? 24,000 डिवाइडेड बाय 3000 इंटू 2500, जल्दी बताओ कितना होगा? क्या मैं कहूं शायद 20,000 होगा? 20,000, जी हाँ। अब वो 2500 शेयर 6 रुपए पर रीइशू कर दिए, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट 2500 इंटू 6 तो कितना हो गया? 15,000 शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 25,000
20,000 में से 10,000 यूटिलाइज हो गए, तो कैपिटल रिजर्व भी तो 10,000 का बचेगा ना। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 10,000, 10,000। भाई साहब क्लास चालू करे हुए ना अभी 1 घंटा हुआ है, और 1 घंटे में हमने मई 18, नवंबर 18 और मई 19 तीन क्वेश्चन निपटा दिए हमने, राइट? हमने तीन क्वेश्चंस निपटा दिए हैं। राइट? तीन क्वेश्चन निपटा दिए जी। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। इसी टाइप से और क्वेश्चंस करते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।